Can anybody out there hear me? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के खूबसूरत वादियों में। और अभी हम पहुंच चुके हैं ब्यावरा। ब्यावरा पार करके खड़े हैं। कल रात में देवास पार किए थे और देवास पार करके मक्सी में रुक गए थे। फिर मक्सी से आज निकले हैं सुबह 5 बजे, जो कि उज्जैन थोड़ा साइड में पड़ जाता है। तो भोलेनाथ को, महाकाल को प्रणाम किए, दूर से ही, पास तो पहुंचे नहीं, और निकल चुके हैं अपने सफर में। और ये रही गाड़ी। आप लोगों को ना कुछ दिखाना था कि मध्य प्रदेश में ना अभी इस टाइम पे इतनी ज्यादा खूबसूरती है जिसका कोई जवाब नहीं। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये पूरा सरसों है जो एकदम फुलाया हुआ है, खतरनाक वाला भाई। और ये पूरा गेहूं की खेती है, और इसके बाद भी वो सामने देखिए सरसों है, और इधर भी पूरा गेहूं है पूरा। भैया इतना ज्यादा खूबसूरत दिखता है ना इस टाइम पे मध्य प्रदेश की, घूमना चाहिए आप लोगों को एक बार। और हम ठहरे गांव वाले, तो गए थे अभी, ये मुखारी लाए हैं तोड़ के, बमूरे की है, अब बघेली आ जाती कहाँ कहाँ थोड़ा बहुत। तो मिलते हैं सफर में। तो भैया मुखारी उखारी कर लें, इसके बाद निकले। कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं तो देख रहे हैं कि मुखारी कर रहा है भाई सुबह सुबह। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं राघवगढ़, और जर्सी हमने उतार ली भैया, क्योंकि धूप हो गई है, ठंडी थोड़ा कम लग रही है। यहाँ हमने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया, और ये देखिए, ये चना की खेती है और ये सरसों की खेती है। इस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ना रोड के किनारे वाला जो माहौल है खेती वेती का। और ये सामने टोकरी लगी है, यहाँ सुबह सुबह हमने बिरयानी खाई। तो अब चला जाए, सफर को पुनः स्टार्ट किया जाए। और अब कहाँ रुकते हैं पता नहीं, अब रुकेंगे भी तो वही खाना खाने के लिए दोपहर 11-12 बजे के आसपास, उससे पहले रुकना होगा नहीं। तो लेट्स द चाबी कहाँ गई भैया? तो वही हमने सुबह का नाश्ता बिरयानी लिया, और अब निकले हैं। और ये मेरी कंपनी की इतने कंटेनर यहाँ से निकल रहे हैं, देखो KMD। कम से कम इस लाइन में अभी मेरे साथ आगे पीछे करके 500 से ज़्यादा कंटेनर चले हैं। सब ये इंदौर पार करके देवास के बाद सोए थे, और वहाँ से चले, कोई थोड़ा फास्ट चला, कोई थोड़ा लेट चला, और सब के सब अभी आसपास में है पीछे लाइन। तो भाई पहुंच गए होटल पे खाना खाने, क्योंकि अभी ना बज गए 12:30। तो खाना पीना खा लिया जाए टाइम से तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का ना दिन का पता ही नहीं चला, मुझे लग रहा था कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 बज रहा होगा, लेकिन यार टाइम देखा तो 12:30 बजा था। तो ये होटल है, यहीं रुके हैं हम लोग खाना खाने के लिए। हम लोग क्या, मैं अकेले ही हूँ, तो यहाँ से खाना वाना खा के फिर निकला जाएगा। तो भाई हो गया खाना पीना, और निकल दिए हैं हम अपने सफर के तरफ। और ये यार धनिया की खेती बहुत ज़्यादा है भाई, धनिया, सरसों, गेहूँ, चना और मटरा। तो वही अभी अभी हमने शिवपुरी पार किया, और शिवपुरी पार करने के बाद ये हालत है, रोड का काम चल रहा है,
और यहाँ ना एकदम ये देखो सिंगल वाली ब्रिज है भैया, एक ही गाड़ी निकल सकती है। 5 बजने वाले हैं, 5 मिनट और बचे हैं 5 बजने में। तो अभी हम पहुंच गए हैं पनिहार, जो ग्वालियर से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है। तो थोड़ा कुछ काम था, देखो दिन डूबने चला, थोड़ा काम था। ये सामने एटीएम है सेंट्रल बैंक का, पैसे खत्म थे अपने पास कैश, तो वो निकालने थे। और कुछ खाने पीने का भी सामान लेना था, जो यहाँ सामने मार्केट ही है दिख रहा है आपको, तो ले चुके हैं। और अपना आधे घंटे का टाइम भी हो गया है समाप्त, आधे घंटे से 5 मिनट ज़्यादा ही हो गए हमें यहाँ रुकते हुए। तो अब चला जाए, अब आपसे लास्ट में वहीं मिलेंगे, या तो ग्वालियर में या तो फिर जहाँ स्टॉप हो गया। तो भाई अभी हो गई है शाम और ठंडी हो गई है, बढ़ने लगी अब ठंडी। तो अपना ये गांव वाला जुगाड़ जो है बन चुका है, बताना कैसा लगता है आप लोग। क्योंकि अभी स्वेटर नहीं पहने, वो भी पहनना है भाई, कांच वाँच बंद किया है क्योंकि ठंड ना शाम का पैर चालू हुआ नहीं कि ठंड पड़ गई। तो अभी जो टेलर चला रहे हैं उसमें नॉर्मल माल लेके चलते हैं। ये भाई का देखो कितना हैवी माल लेके जा रहा है, फैट्रक बोलते हैं इसे, फैट्रक। तो ये भाई गाड़ी वालों का ना जिगरा जो है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि तो बिना जिगरे का गाड़ी और गाड़ी में माल लेके चलना मामूली बात नहीं है भैया। तो आगे भैया खाना खाने, गाड़ी खड़ी हो गई है धौलपुर में, और इतनी ठंडी है ना कि हालत खराब है।